हेलो स्टूडेंट, RCI एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे, रसारोहण की बात करेंगे। रसारोहण क्या है? रसारोहण एसेंट ऑफ सेप रसारोहण क्या है? ध्यान देंगे आप कि पौधे के भूमि दबाव जड़ के द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के वायु भागों तक वायु भागों तक पहुंचना एक प्रकार से क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे के भूमिगत भाग जड़ के द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के वायु भागों तक पहुंचना एक प्रकार से क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। रसारोहण क्रिया होती है जो एक प्रकार से छोटे पौधों से लेकर अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस है, तीन सौ फीट ऊंचाई होती है, शिकोया है, 400 फीट ऊंचाई होती है, इन सभी के अंदर एक प्रकार से जल का गमन होता है, जो कौन सी क्रिया से होता है? रसारोहण क्रिया के द्वारा होता है। अर्थात रसारोहण क्रिया होती है जो एक प्रकार से जाइलम उत्तक के द्वारा, जाइलम की कोशिकाएं होती हैं, वाहिका वे वाहिनिकाएं, वाहिका वे वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। रसारोहण क्रिया के मार्ग को समझने के लिए रसारोहण के मार्ग की बात करें, इसके लिए क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं। ये बीकर लिया गया है और इस बीकर को स्टैंड के ऊपर रख दिया गया है। और ये बीकर है और ये स्टैंड के ऊपर और इसके अंदर एक बालसम पौधे की टहनी लगा दी जाती है। ये बालसम पौधे की टहनी है इसको यहाँ स्टैंड पर व्यवस्थित कर देते हैं और ध्यान देंगे रसारोहण क्रिया को प्रयोग द्वारा समझने के लिए, अर्थात रसारोहण के मार्ग को समझने के लिए क्या लेते हैं? बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर सबसे पहले इओसीन विलयन भरते हैं। इओसीन लाल रंग का भिरंजक है, इओसीन विलयन भर दिया जाता है और इसके अंदर एक बालसम पौधे की टहनी लगा दी जाती है। ये बालसम पौधे की टहनी है, बालसम पौधे की टहनी लगा दी जाती है और इसे स्टैंड पर व्यवस्थित कर देते हैं। ये स्टैंड लगा हुआ आप देख पा रहे हैं, ये स्टैंड है जिसे स्टैंड पर क्या है? व्यवस्थित है। कुछ समय पश्चात देखते हैं तो इस बालसम पौधे की जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों में लाल रंग की सिराएं दिखाई देती हैं। इनमें ये लाल रंग की क्या दिखाई देती हैं? सिराएं दिखाई देती हैं। तथा इसके पश्चात क्या किया जाता है कि जो
बालसम पौधे की टहनी है इस तने की टीएस काटते हैं और टीएस काटकर हम देखते हैं तो इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। ये इसके अंदर जाइलम, ये जाइलम है जिसमें जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाएं हैं, ये लाल रंग की दिखाई देती हैं। ये टीएस है, तने की टीएस अर्थात ये जाइलम है। जब इसमें देखा जाता है तो इस जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाएं होती हैं जो लाल रंग की दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस विलयन के अंदर एक प्रकार से क्या घुला हुआ है, इयोसिन घुला हुआ है। अर्थात इयोसिन कैसा रंजक है? लाल रंग का रंजक है, जिससे इन पत्तियों में लाल रंग की सिराएं दिखाई दे रही और इस जाइलम के अंदर वाहिका और वाहिनिकाएं भी कैसी रंग की दिखाई दे रही हैं? लाल रंग की दिखाई दे रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि रसारोहण क्रिया होती है जो कौन से जाइलम उत्तक के द्वारा होती है। अर्थात रसारोहण का मार्ग क्या है? जाइलम है। ध्यान रहे कि रसारोहण का मार्ग क्या है? जाइलम है। अर्थात जाइलम की क्या है? वाहिका और वाहिनिकाएं। ये आपको ध्यान रखना है कि रसारोहण का मार्ग है एक प्रकार से जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रसारोहण क्रिया आप समझ चुके हैं कि रसारोहण क्या है, कि पौधे के भूमिगत भाग जड़ के द्वारा अवशोषित जल होता है उसका एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचना एक प्रकार से क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। और रसारोहण क्रिया होती है जो छोटे पादपों से लेकर अधिक ऊंचाई वाले पादपों के अंदर पाई जाती है। इस मार्ग की बात कर रहे थे, इसमें ध्यान रखना है एक बीकर लेना है और इस बीकर में हम क्या लेंगे? इयोसिन विलयन लेंगे और बालसम पौधे की टहनी लगा दी जाती है और उसके बाद में कुछ समय पश्चात देखते हैं तो पत्तियों में लाल रंग की सिराएं दिखाई देंगी तथा उसके बाद में हम क्या करते हैं कि तने के टीएस काटते हैं तो तने के टीएस में भी हम देखते हैं कि जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाएं कैसे रंग की दिखाई देती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं। अतः स्पष्ट होता है कि रसारोहण क्रिया होती है जो कौन से उत्तक के द्वारा होती है? जाइलम उत्तक के द्वारा होती है। बाकी रसारोहण की क्रियाविधि की बात करें तो हम अगली बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।